VF क्या है? VF है कि जंप ऑफ VF LVM से ना, दो VM आपस में जब मिल के काम करती हैं, तो उसको हम VF बोलते हैं। एक्सचेंज की प्रोडक्ट एक VM में चलती है तो दो पे एक्सचेंज, मतलब कि एक्सचेंज की बात की तो डोमेन कंट्रोलर अलग चाहिए इसे, मेंबर सर्वर अलग चाहिए, इस पे एक्सचेंज अलग होता है। ठीक है, तो ये दो VM इसको कहते हैं VF। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर्स अगर आप दो VMs को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको कंटेनर का वर्ड यूज करता हूं। एक और जिस डोमेन कंट्रोलर में डोमेन सर्वर का काम और ज्यादा लेकिन रिकमेंड कभी भी नहीं मत आप डोमेन कंट्रोलर को एक्सचेंज चलाएं कभी भी, तो है नहीं किसी लाभ के लिए। आप फिर हमारे कुछ नेटवर्क इस तरह के कि वहां 30-30 यूजर में डिमांड होती है कि हमें डोमेन कंट्रोलर एक्सचेंज करना, बस फिर वो नॉर्मल चल रहा होता है जब वो बैठेगा सर्वर तो साथ में चेंजेस के लगेगा। जैसे कि टूल मतलब इतना ये रीड कर लेता है कि ऑलरेडी सिस्टम क्या रिक्वायरमेंट है उतनी स्पेस एलोकेट करता है, उतनी स्पेस। और ये डॉकर जो है ना, डॉकर टेक्नोलॉजी टूल है, ये टूल आपका रन होता है सिर्फ नैनो में, ये ना कोर में चलता है ना जीओ में चलता है। कोर में से पहले के कमांड प्रॉम्प्ट और विंडोज पावर शेल होते हैं, उसी के थ्रू आप फीचर ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन भी होती है ना, नैनो में कोर से जीयूआई में, जीयूआई से कोर में भी आ सकते हैं, इसमें ऑप्शन भी होती है इंस्टॉलेशन के बाद। हां फीचर होता है, फीचर ऐड करने दैट्स इट, वो कोर में चला जाएगा, कोर से उसमें ऐड करने वो जीयूआई पे आ जाएगा। यूबंटू में भी है इसी तरह का, इसमें भी है चीजें समझे, नई नई चीजें सीख रहे हैं। एक नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट से हट के वो डिफरेंट चीजें हैं, कभी नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट के कोर्स में कभी भी चीजें नहीं एक्सप्लेन नहीं की जाती, तो अगर आप क्वेश्चन भी करते तो उसको वैसे ही इतना चक्कर चढ़ाते हैं, तो बाद क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि अब सिंपल सी बात है कभी भी शॉर्ट इस तरह का क्वेश्चन नहीं करेगा, वो तो बस कोर्स पूरा पढ़ने आता, शायद भी आएगा इंटरेस्ट से पढ़ने, तो वो भी इतने डेप्थ में कभी नहीं जाता। लेकिन कांडी जो चीजें समझ रहे हैं इसको एटलीस्ट अपने नोट्स में जरूर लिखें, खुद जाके एक दफा जरूर उसको देखें, ठीक है, ताकि इस आफ्टर दिस जो ट्रेनिंग के बाद आपका लेवल जरूर इम्प्रूव हो। ठीक है, आज नहीं है ना।